और इधर झारखंड में जमीन के लिए चल रहे खूनी खेल में एक और बेटी की जान चली गई। झरिया में पिछले चार दिनों से लापता छात्रा का शव तालाब से मिलने में हड़कंप मच गया है। झरिया के चोड़ा पोखर की छात्रा नताशा अजमेरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बरारी 7 नंबर की रहने वाली नताशा पिछले शनिवार को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, तब से उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज उसका शव लंका नगरी स्थित छठ तालाब में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। शनिचर के 3 बजे गई ट्यूशन गई तो फिर टाइम हुआ थोड़ा ज्यादा था, हम बोले कहा अरे फोन कर सर के पास, अभी तक आई नहीं मानता सब पढ़ के। फोन करती तो बोलती है कि बन वो तो पढ़ने ही नहीं आई, सो बोल दिया सर। तो वेला दाब के मारा गया, पहले तेजाब छिटा दिया, तेजाब जला हुआ है, चेहरा जला हुआ है, तेजाब से ही आग से जला हुआ नहीं है, तेजाब से जला हुआ। जमीन को लेकर रिश्तेदारों के साथ नताशा के परिवार का विवाद चल रहा था, ऐसे में परिजनों ने रिश्तेदारों पर ही हत्या का शक जाहिर किया है। इस लड़की का परिवार उसके घर के परिवार लोग से बगल वाले से गोतिया से पुराना रंजिश चल रहा है, कोई ये आपका चंदन क्यारी में कोई जमीन है उसी के वजह से पूरा रंजिश चल रहा है, समझे ना। इनका भागना है, उनकी बड़ी मम्मी है, लड़की की बड़ी मम्मी है और उनका भागना है। वो लोग इनको प्रीत करते थे, डराते भी थे पहले, जो हमने सुना है जो हमको बताया गया वही हम बता रहे हैं। प्रथम दृष्टया हत्या मानकर ही पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब 4 दिन पहले ही पुलिस को नताशा के लापता होने की सूचना दी गई थी तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट। नताशा का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ जोड़ा पोखर थाने का घेराव कर दिया है। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। छात्रा नताशा का शव आज तालाब से मिला है। नताशा पिछले 4 दिनों से लापता थी। और इस पूरे मामले में शव के साथ जोड़ा पोखर थाना का घेराव किया आक्रोशित ग्रामीणों ने, और इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज की है। थाने का घेराव कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों पर लाठीचार्ज की है पुलिस ने। इस पूरे मामले में आपको बताया 4 दिनों से छात्रा लापता थी, आज उसका शव बरामद किया गया छठ तालाब से, और इसी से गुस्साए लोगों ने शव के साथ थाने का घेराव किया। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ग्रामीणों पर। तो झरिया में 4 दिनों से छात्रा लापता थी और जब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आखिरकार आज छात्रा का शव एक तालाब से बरामद किया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ थाने का घेराव किया, और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर वो यही है कि लाठीचार्ज किया है पुलिस ने इन आक्रोशित लोगों पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको अभी की दिखा रहे हैं, जब थाने का घेराव कर रहे थे उस बीच पुलिस बल अपनी पूरे बल प्रयोग करते हुए नजर आए, लाठीचार्ज इन्होंने किया है ग्रामीणों पर। जो भी आक्रोशित ग्रामीण थे शव के साथ घेराव कर रहे थे थाना का, उन पर लाठीचार्ज किया है पुलिस प्रशासन ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस फोर्स पूरी की पूरी पुलिस फोर्स वहां पर नजर आ रही है। लाठीचार्ज किया है उन्होंने धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीणों पर। शव के साथ जोड़ा पोखर थाने का घेराव करने पहुंचे थे ग्रामीण, और उस बीच लाठीचार्ज की है पुलिस ने। 4 दिन से छात्रा लापता थी और शिकायत लापता की दर्ज कराई गई थी, उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। आज छात्रा का शव बरामद किया गया। जमीन विवाद में छात्रा की हत्या की बात सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है ये तो छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इस पूरे मामले में। इसी से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, थाने का घेराव किया, और आखिरकार पुलिस ने लाठी चार्ज की है इन ग्रामीणों पर। ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी नताशा अपने घर से 4 दिन पहले, और बहुत देर तक जब घर वापस नहीं लौटी परिजनों ने खोजबीन की, टीचर्स को फोन लगाया, उनका कहना था कि वो आज पढ़ने के लिए ही नहीं आई, और आखिरकार आज 4 दिन के बाद छात्रा का शव बरामद किया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अंकित हमारे साथ झरिया से मौजूद है। अंकित, अभी जो ताजा अपडेट मिल रही है पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल कहे तो जिस युवती का आज जो शव बरामद हुआ था तालाब जो कि तालाब किनारे,
और तालाब के अंदर से शव बरामद किया गया था सुबह अहले सुबह, जबकि स्थानीय लोगों ने देखा तो शव बरामद हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंची, शव को उठाया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जिस युवती का शव बरामद हुआ है उसका जो कहे तो उसका चार दिन पहले ही उसके पीड़ित परिजन ने जोड़ा पोखर थाना में गुमसुदी का रिपोर्ट लिखाया था। लेकिन आज पुलिस तात्पर्य नहीं थी, या तो पुलिस की उदासीनता कहे, क्योंकि युवती को खोज नहीं पाई। आज जोड़ा पोखर थाना से महज चार डेग की दूरी पर बाजार है और उसी बाजार से युवती गायब हुई थी और आज सुबह उसका शव बरामद हुआ है, जबकि उसका पूरा फेस जो है कहे तो पूरा फेस जला हुआ है और जिस तरह से परिजन का कहना है कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस जो कहे तो पूरे मामले की छानबीन कर रही थी कि हत्या है या आत्महत्या है या क्या, इसके पीछे क्या साजिश रचा गया है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद देर शाम कहे तो शव पहुंचा और उसके बाद पीड़ित परिजन और आक्रोशित लोगों ने जोड़ा पोखर थाना के पास में शव को रख के झरिया सिंधरी मुख मार्ग को जाम करके रखा था और ये लगभग चार घंटे तक जाम रही और लास्ट में पुलिस प्रशासन काफी हरकत में बहुत मतलब समझाने बुझाने का कोशिश किया गया लेकिन फिर नहीं हुई। तो लास्ट में स्थानीय जो ग्रामीण थे, आक्रोशित ग्रामीण, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, जिसमें जोड़ा पोखर थाना के जो बड़ा बाबू है वो घायल है, कई जो हवलदार है या जो कि छोटा बाबू वो घायल है, कुछ स्थानीय पत्रकार भी घायल है इसमें, और जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा है। जी अभी की क्या स्थिति है, क्या अभी पूरा मामला शांत हुआ या अभी भी वही स्थिति कायम है? नहीं बिल्कुल कहे तो अभी जो स्थिति है अभी बिल्कुल मामला शांत है, शव को वहां से हटा लिया गया है, लेकिन पुलिस को मजबूरन में लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय लोगों को ये समझना चाहिए था या तो जो पीड़ित परिजन है कि आपने गुमसुदी का रिपोर्ट लिखाया है, अब पुलिस पूरे मामले पर एंगल पर जांच कर रही है और इसमें ये क्लियर ना हो पाया कि इसके पीछे हत्या है या आत्महत्या है। आपने ना तो जो पीड़ित परिजन है ना किसी आरोपी का नाम बता रहा है, ना कुछ बता रहा है जो जिसके पीछे पुलिस लगे और उसको गिरफ्तार कर सके। फिलहाल जो है कि पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है, हर बिंदु पे जांच कर रही है, लेकिन आक्रोशित लोग जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, घंटों सड़क जाम रहा और जिसके बाद पुलिस को मजबूरन वहां पर पुलिस पर पथराव भी किया गया और पथराव के साथ साथ तब पुलिस को मजबूरन में लाठीचार्ज करना पड़ा है। चले तो सबसे पहले पथराव ग्रामीणों ने किया और मजबूरन में फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल मामला शांत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जानकारी के लिए। तो बताएं आपको कि लगातार चार घंटे से सड़क जाम किया था ग्रामीणों ने और जब पुलिस प्रशासन का ये कहना कि अगर किसी पर शक है तो उसका नाम बताएं, ये भी परिजन बताने में सफल नहीं हो पाए, नाम नहीं बता रहे थे और लगातार धरने पर बैठे थे, घंटों जाम की स्थिति हो गई और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।